हेलो, कहाँ पर हो? रास्ते में एग्ज़ाम देने जा रहे हो? ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आज आपका एग्ज़ाम है, मुझे ही पता है। तो फ्रेंड देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके कुछ 35 क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और देखिएगा इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपके आज फंसने वाले हैं। 15 दिसंबर 2017, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एमपी के, ख़ास तौर पर चाहे पटवारी का हो या फिर कांस्टेबल का, एमपी का, तो वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नया पेपर जो भी डिज़ाइन होता है, कुछ नहीं होता, कॉपी पेस्ट चलता है उनका सब का सब। और एक दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिए, पेपर का लेवल आपके एग्ज़ाम में टफ रहेगा, इजी रहेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल टफ और जो इजी होता है वो डिसाइड करता है आपकी तैयारी पर, आपके रिवीजन पर, कि आपने तैयारी कितनी स्ट्रांग करी है उस पर। जैसी भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। एग्ज़ाम टाइम पे अपना 100% जितना दे सकते हैं उतना दीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। देखिए, 36 नंबर है। देखिए, इससे पहले के जो नंबर थे मैंने कवर करे थे कल के वीडियो में, एमपी पटवारी का जो मॉर्निंग में मैंने अपलोड करा था वीडियो, उसमें मैंने 1 से 35 तक क्वेश्चन कवर करे थे। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ इस वीडियो में। 36 जो नंबर है वो है कि ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश रचनाएं किसे समर्पित हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे कौन है? इंद्र देवता। और उसके बाद कौन से देवता आते हैं जिनको सभी रचनाएं जो भी उसमें मतलब श्लोक वगैरह हैं वो समर्पित हैं? अग्नि को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 37 नंबर है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। 38 नंबर, बैंकिंग शब्दावली में जो प्रयुक्त होता है आपका एटीएम, जो आप कहते हैं ना कि एटीएम मशीन खराब हो गई है, एटीएम में कैश नहीं है, वहां तो कोई एटीएम ही नहीं था, मुझे पैसों की तंगी हो गई, तो ये उस वाले एटीएम की बात कर रहे हैं। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 39 नंबर है आपका, ग्रीटीमेंट्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बुक के नाम भी बताए थे, वीडियो के अंदर ही काफ़ी सारी बुक के नाम, मुद्रा राक्षस और भी काफ़ी सारी बुक थी, तो उन सब के रचनाकार कौन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है, आपके पास टाइम है देखने का, तो पिछला जो पार्ट है इसका कल की डेट का 13 दिसंबर का, वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 40 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। 41 नंबर आपका, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में। और बात करिए आईजीआई की, इंदिरा गांधी, वो है आपका दिल्ली में। 42 नंबर आपका, भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। 43 नंबर के बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? तो ये है आपकी अरविंद घोष की। किसने लिखा था कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं? तो ये जो कथन है ये किसका है? देखिए, हिंदी सेक्शन से भी आपका क्वेश्चंस बनेगा कुछ ना कुछ, तो वो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। 45 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक जो हथियार थे उसका प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। और प्रथम जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। और बात करें आपसे सेकंड वॉर की, 1939 से 1945 के बीच में। और इसी के साथ बात करता हूँ मैं 1945, जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, बॉम्ब, फैट मैन, दूसरा क्या था, लिटिल बॉय। तो ये सब डेट आपको पता होनी चाहिए कि 6 अगस्त 1945 को कहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान के कौन से शहर में, और 9 अगस्त को। पॉइंट नंबर है आपका 46, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? सी हवांग टी। 47 नंबर है, यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया? तो वो है आपका सुकरात। 48 नंबर है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है आपके फिरदौसी की। 49 नंबर, किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो ये है आपका इंग्लैंड की क्रांति। कामयानी किस प्रकार का काव्य है? तो ये है आपका महाकाव्य। उपनिषदों की संख्या, वेदांग की संख्या, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी आपको, वो सब प्लीज़ आपके पास देख लेना अलग से, मतलब मैंने आपको बोल के बताया था, जैसे अभी मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, तो वो भी आप एक बार देखना प्लीज़ ज़रूर। 51 नंबर है आपका, गांगे शब्द किस लिए प्रयुक्त किया गया है? वो है आपका भीम के लिए। 52 नंबर है, वैदेही वनवास, साकेत तथा प्रिय प्रवास में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह आपका प्रिय प्रवास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
ये कथन किसका था? तो ये थे आपके कवि मैथिली शरण गुप्त। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एवं मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वो थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। 55 नंबर है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था आपका असदुल्ला खां। 56 नंबर, जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और 57 नंबर है, नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। 58 नंबर है, बोध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो ये आपका बुद्ध के जन्म का। 59 नंबर, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस के। और टीपू सुल्तान भारत के किस रियासत का शासक था? तो वो थे आपके मैसूर का। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पे, बिहार का जीरादेई गांव किस महान व्यक्तित्व के जन्म स्थल का गौरव रखता है? तो वह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान के, और अस्थायी कौन थे ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी तो ये थे ही, लेकिन अस्थायी कौन थे? 62 नंबर है आपका, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे? तो वो थे आपके जियाउद्दीन के नाम से। भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो सम्मान है, ये पुरस्कार है, किस क्षेत्र में देते हैं? तो ये देते हैं साहित्य सृजन एवं हिंदी के क्षेत्र में। 64 नंबर है, तर्कस नाम के अंतर्गत संग्रहित किसकी कविताओं एवं गजलों के संग्रह को डेविड मैथ्यूज ने अंग्रेजी में अनुवादित किया? जावेद अख्तर की। 65 नंबर, लोक थिएटर नौटंकी का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। 66 नंबर है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो ये लगता है 12 वर्षों के बाद। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 67 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव कौन है जो इस पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, प्रथम एशियन एवं प्रथम मुस्लिम है? तो उनका नाम है इरान जुवैदा खान। 68 नंबर, पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1954 और 3 दिसंबर 2015 को। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने कौन? न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर। 70 नंबर है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1924 में। और ये कहां पर है? ये है मुंबई में। और इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। 71 नंबर, अमेरिका का 50 राज्यों में किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क को। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प के नाम किस युद्ध से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आपका क्रीमिनियन युद्ध। 73, इतिहास के प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग भारत के किस नगर में स्थित है? तो ये है आपका अमृतसर में। 74 नंबर है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो वो है आपका जातीय संसद। 75 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बस एक छोटा सा गाइडेंस आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आपका जीएस काफ़ी वीक है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाइए। पहली बात तो ये, मैंने एक नई बात तो बताई नहीं, सभी ये बोलते हैं भाई एग्ज़ाम दे के तो आ। अब देखिए, सेकेंड जो बात है वो थोड़ी नई होगी आपके लिए। अगर आपका जीएस वीक है तो आपको लूसेंट नीली वाली बुक या तो अपने आप स्टडी करिए कि उसमें से कितना पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना पढ़ना है, तो आपको इस चैनल पे उस बुक की, नीली वाली बुक की कंप्लीट वीडियो ऑडियो दोनों है, लेकिन आपको देखना है वीडियो फाइल। वो बुक कंप्लीट हो चुकी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने हाईलाइट करिए। बुक को लेकिन लेके बैठना साथ में। अगर बुक लेके साथ में नहीं बैठ रहे हैं, केवल वीडियो वॉच करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच मत करना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर इन केस मार्केट पास में नहीं है, आप गांव में रहते हैं, तो फिर आप अपने उसके नोट्स बनाइए। भाई बुक अगर परचेज नहीं करनी है, मार्केट पास में नहीं है, रीज़न है बहुत सारे बुक साथ में ना लेके बैठने का, तो कम से कम A4 पेज लेके बैठिए, नोट्स बनाइए उसके और पढ़िए। और काफ़ी सारे फेजेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे स्टैटिक, जैसे कि आपको गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था गांधी जी का। ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए याद, तब देखना जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा ना, हर चीज़ आपको टिप्स पे याद होगी। देखो ढेर तो पढ़ना नहीं, पहली बात तो ये है, ठीक है।
ढेर मत लगाओ पढ़ाई का अपने पास। कुछ लोग बुक का लगाते हैं ढेर, लगते हैं कि उनके पास काफ़ी सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया। भाई बुक के ढेर से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बुक के ढेर से सिलेक्शन होता तो आज तुम्हारे पास में जो बुक डिपो है ना, जो किताबें बेचता है, वो बुक सेलर आज ISPCS होता। ठीक है, देखिए गांधी जी का फेस मैं कह रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सर चीज टिप्स पे याद करनी चाहिए। उनका जन्म कहाँ पे हुआ ये आपसे नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, बहुत ही रेयर पूछने के चांस है, पोरबंदर में हुआ था। और उनके जो भी सत्याग्रह थे 1915 में वो लोग वापस आए थे, मतलब महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था उन्होंने वापस लिया था 1922 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी 1920 में, गांधी जी को गोली मारी गई थी 1948 में, किसने मारी थी, नाथुराम गोडसे ने। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार, ये पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले इस पर्सनैलिटी को पक्का पढ़ के जाना, महात्मा गांधी जी की। ठीक है, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज जो एग्ज़ाम है सब कुछ रख लेना पास में, अपने पेन पेपर एडमिट कार्ड सब कुछ। आई थिंक भाई आप समझदार हो, बड़े बच्चे हो, तो भूल जाओगे एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना। चलिए ठीक है, दीजिए अपना एग्ज़ाम कूल एंड काम। अगर कोई क्वेश्चंस लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको छोड़ देना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चंस का स्ट्रेस अगले क्वेश्चंस पे कैरी फॉरवर्ड ना हो प्लीज़, ऐसा बैलेंस बना के चलना, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखते हैं नहीं आता, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ने की हिम्मत वो कर तो देते हैं, लेकिन उनको पिछले क्वेश्चन की टेंशन इतनी खाई जाती है कि वो उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट उसके क्वेश्चन नंबर 2 पर पड़ जाता है। तो इस टाइप के बैलेंस को प्लीज़ बना के चलना, चाहे आपका एग्ज़ाम आज हो या फिर कुछ दिन बाद ही क्यों ना हो। गॉट इट, आई थिंक मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन दिस वीडियो। इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक। बाय बाय, टेक केयर।